Now you must have to remember that especially shoot will develop from the plumule of embryo, okay, and root will develop from the radical of embryo, okay. So now you must have to remember embryo, that is also a structure, that is also a part of seed. किसी भी प्लांट में सीड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किस तरह से होगा, तो यू हैव स्टडीड इन थर्ड चैप्टर कि किस तरह से डबल फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है. तो सीड का फॉर्मेशन होने के बाद सीड के अंदर जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज कॉल्ड द एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो विल जर्मिनेट लेटर, और आफ्टर जर्मिनेशन दैट विल फॉर्म द प्लूमल एंड रेडिकल, और प्लूमल से क्या बनेगा, शूट बनेगा, और रेडिकल से बाद में रूट का फॉर्मेशन होगा. ओके okay?